रुद्र सावित्री फाउंडेशन के तत्वाधान में 3 एवं 4 नवंबर को दरभंगा जिला के नेहरू ऑडिटोरियम में दरभंगा माइंड फेस्ट का 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ विधिवत समापन। समापन समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेक कुमार सिंह विकास आयुक्त बिहार सरकार, मनीष कुमार आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, राहुल कुमार CEO जीविका, अरविंद कुमार जिला पदाधिकारी मधुबनी, चंद्रशेखर सिंह जिला पदाधिकारी समस्तीपुर एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष, दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वक्ताओं ने इस कार्यक्रम के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कार्यक्रम के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम प्रकार के आयोजन होने से बच्चों का भविष्य समरता है। वहीं विकास आयुक्त ने भी इस कार्यक्रम के संबंध में भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत आयोजन सचिव विशाल गौरव के स्वागत भाषण से प्रारंभ हुआ। अंत में बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। वक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। श्री राजीव रोशन जी, जिन्होंने कदम कदम पर दरभंगा माइंड फेस्ट के आयोजन में हर संभव हमारा साथ दिया है, तहे दिल से मैं इस माइंड फेस्ट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जिला की DDC मैम अमृषा बैंस जो हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे याद है कि हम लोगों ने माइंड फेस्ट की तरफ से जब पहली मीटिंग की थी, मैम वहां मौजूद थी। मैम, मैं पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। रूबरू कराते हैं वैसे विभूतियों से जो इस इलाके से जुड़े हैं और आपके लिए अपना बहुमूल्य समय से समय निकाल कर आए हैं, ताकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसकी हौसला अफजाई अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री संजय झा जी, जो किसी परिचय के यहाँ मोहताज नहीं है, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का सरोकार बहुत पुराना है, और हम लोग जब विचार कर रहे थे कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इनको बुलाया जाए, यह हमेशा एक इशू होता है, तो एक सर्वसम्मति बना कि एक ऐसे युवा मंत्री को जो इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इलाके की विकास की बागडोर अपने हाथों में रखे हुए हैं, और बावजूद उसके उनका पढ़ाई लिखाई से बहुत पुराना ताल्लुक है, और उनकी एनर्जी लेवल ये है कि वो चाहते हैं कि इस इलाके का जो है वो विकास ऐसा हो जो पूरा दुनिया में दिखे, वो चाहे एयरपोर्ट की बात होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आगे होता है। और हमेशा उदाहरण देते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे IITs हैं, लेकिन क्यों एक सत्या नडेला, क्यों एक सुंदर पिचाई ऐसा है जो कोई गूगल को और उसको हेड कर लेता है? वो इसलिए चूँकि उसके जो वर्ल्ड व्यू है वो सबसे बेहतर है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका आर्टिकुलेशन है कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो आपके पास जो अगर करिकुलम की जानकारी है, आपको अच्छी नौकरी दे देगा, लेकिन नेतृत्व तभी मिलेगा जब आप में एक वर्ल्ड व्यू हो, आप में एक विजन हो और आप में आर्टिकुलेशन हो। जितने बड़े लीडर्स हैं, देश के लीडर्स देख लीजिए, स्टेट के लीडर्स देख लीजिए, ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम कैटेगरी में आते हैं। लिया है उनके लिए ये एक लाइफ टाइम मेमोरीज के रूप में होगा, और जहां कहीं भी वो आगे जाएंगे इस प्रकार के आयोजन में, तो ये प्रथम प्रतिभागिता उनको जरूर याद, उनको स्मरण रहेगा कि उन्होंने किस प्रकार से इसमें भाग लिया था, और ये एक आगे बढ़ने वाला है। और मैं सभी बच्चों को भी बताना चाहूंगा, जैसा सर ने कहा है बिल्कुल ही सही कहा है कि हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, अपने आप को जानना और उसके अनुकूल व्यवहार करना, और अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना, यही वास्तव में मानव जीवन का ध्येय भी होना चाहिए और यही उसका उद्देश्य भी है। किसी शायर ने कहा है कि चांद जब निकले गगन पर हाथ बढ़ा कर देखो, फासला आँखों का धोखा भी हो सकता है,
चांद जब निकले गगन पर हाथ बढ़ाकर देखो, यानी अगर हमें कोई लक्ष्य दिखाई दे रहा है तो सिर्फ उसको ये बड़ा मानकर कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें लगातार सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। माइंडफेस्ट दरभंगा में हुआ है, सब तो दिल्ली या मुंबई में होता था, उसको दरभंगा में लेकर आए, पूरे दरभंगा जिला के गवर्नमेंट स्कूल के भी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट किए इसमें, और बड़ा ही इनोवेटिव चीज़ है। और मैंने कहा भी जैसे कि समाज में जो पीछे पद पर जाते हैं वो जब अपने घर के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने लोगों के लिए आकर जो हासिल कर रहा है वो बहुत कम देखा जाता है, बहुत रेयर देखा जाता है। ये आकर के काम किया, मुझे बहुत खुशी है। दरभंगा वैसे भी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा, आज भी है, पहले भी बहुत बड़ा हब रहा है, और वहाँ पर इस तरह का आयोजन कर, जो मैं देख रहा हूँ, जितना बता रहे थे कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल जो बच्चों का था वो किसी भी बड़े शहर के बराबर उनका रिस्पांस था, उनका जवाब था, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है।